दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या हॉस्पिटल में मरने पर आत्मा हॉस्पिटल में रह जाती है? ध्यान दे के देखो ये आत्मा कैसे अस्पताल में भटक रही है। एक बार फिर से देखो दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे अस्पतालों में आत्माओं की घूमने की बातें सुनी होंगी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है, क्या कोई इंसान अगर अस्पताल में मर जाता है तो क्या उसकी आत्मा अस्पताल में रहती है या फिर घर वापस आ जाती है? पर यह सवाल आना लाजमी भी है, क्योंकि कई सारे लोगों के परिजन अस्पताल में मर जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो या फिर बीमारी हुई हो और जब उसे अस्पताल ले जाया जाए तो वहीं उसकी मौत हो जाए। ऐसे में क्या ये बात सच है कि अस्पताल में मरने वाले आदमी की आत्मा वहीं रह जाती है, या फिर ये केवल कहने वाली बातें हैं? आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। बस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। सबसे पहले तो साफ शब्दों में कहा जाए तो एक आत्मा का लगाव अपने शरीर से नहीं जाता, इसलिए ज्यादातर आत्माएं अस्पताल से घर आ जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा शरीर आत्मा के लिए घर जैसा है जिसमें वो काफी लंबे समय से रह रही होती हैं। जिस तरह हम अपने घर को जब छोड़कर जाते हैं तो हमें दुख होता है, ठीक उसी तरह आत्मा को भी शरीर छोड़ने पर दुख होता है। इसलिए जब आत्मा पंच तत्वों से बने शरीर को छोड़ती है तो वह ज्यादा से ज्यादा समय शरीर के साथ ही रहना चाहती है। जब कभी भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर को या तो परिजन घर ले जाते हैं या तो अस्पताल वाले घर भिजवाते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा यही सोचती है कि मैं अपने शरीर के साथ जाऊं, क्योंकि आत्मा कई बार अपने शरीर में दोबारा से प्रवेश करने की कोशिश करती है, या फिर अगर वो इस बात को स्वीकार कर लेती है कि मैं शरीर में नहीं जा सकती तब भी वो सोचती है कि कम से कम अपने शरीर को ठिकाने लगने तक तो उसके साथ रहूं। ऐसे में अधिकतर लोग किसी इंसान के अस्पताल में मरने के बाद उसके शरीर को घर लाते हैं और फिर शोक प्रकट करते हैं। इंसान जिस किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है उसी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके मरने पर शोक प्रकट किया जाता है। इसलिए जब तक पंच तत्वों से बना शरीर जमीन में दफन नहीं हो जाता या फिर आग में भस्म नहीं हो जाता तब तक आत्मा उसके साथ ही रहती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक आत्मा कई बार अपने शरीर में वापस से घुसने की कोशिश करती है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि शरीर अब इस काबिल नहीं रहा कि वो वापस से आत्मा को ग्रहण कर सके। हालांकि कई ऐसे भी पैरानॉर्मल केस देखे गए हैं जिसमें जब आत्मा दोबारा से शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर जाग उठता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और अगर आपने कभी ऐसा देखा या सुना है तो उसके बारे में कमेंट में बताना। हालांकि कई सारे ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें लोग हॉस्पिटल से डायरेक्ट अपने परिजन को शमशान घाट ले जाते हैं या फिर मुर्दा घर ले जाते हैं और वो शरीर को घर नहीं लाते, और इस तरह के केस में भी आत्मा अपने शरीर का संस्कार करवाने के बाद अपने किसी न किसी परिजन के साथ घर वापस आ जाती है। क्योंकि अगर शरीर को जला भी दिया गया है और उसकी राख को पानी में बहा भी दिया जाए तब भी आत्मा उस जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आत्मा की प्रेत योनि में जो समय बचा होता है वो हमेशा उस समय को अपने घर पर ही बिताना पसंद करती है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो या फिर बच्चा हो, क्योंकि एक आत्मा को अपने शरीर के साथ साथ अपने परिवार वालों के साथ भी लगाव होता है। इसलिए आत्मा शरीर को अपनी मंजिल तक पहुंचा के घर वालों के साथ ही वापस चली आती है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पर आत्मा घर वापस नहीं आती और हॉस्पिटल में कैद हो जाती हैं। असल में दोस्तों, जब ऑलरेडी किसी दुष्ट आत्मा ने या फिर कई आत्माओं के समूह ने उस इंसान की जान ली होती है तब आत्मा घर लौट कर नहीं आती। अब जैसा कि आपने सुना होगा, कुछ व्यक्ति अस्पताल में काफी लंबे समय से रह रहे होते हैं और वो ठीक भी हो रहे होते हैं, पर अचानक से उसे कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगे, काले साए दिखाई देने लगे, अजीब सी गतिविधियां होने लगे, उसे हॉस्पिटल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का आभास होने लगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें लेने को ही नहीं आता, या फिर कह लीजिए प्रॉपर उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, या मुर्दा घर में उनका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके शरीर के अंगों को निकाला जाता है किसी भी प्रकार के टेस्ट के लिए। अब इस तरह की कंडीशन में जब आत्मा के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसकी बॉडी को लेने को ही नहीं आया,
तो आत्मा शरीर के लालच में वहीं पड़ी रह गई, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मुर्दा घरों में बहुत सी लावारिस लाशें होती हैं। अब इस तरह की कंडीशन में जरूरी नहीं कि वो आत्मा मुर्दा घर तक सीमित रहे, वो बाकी हॉस्पिटल में भी आ जा सकती है। अब कोई मरीज बेड पर मरा है तो आत्मा उसकी अनुभूति में रहती है कि मैं तो जिंदा हूँ, मेरा अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आत्मा इस हकीकत को मानना ही नहीं चाहती कि उसका शरीर चला गया है। आप ये समझ लीजिए कि जो अधिकतर आत्माएं हैं वो वहीं की होती हैं जिनकी बॉडी लावारिस है और उन्हें कोई लेने वाला नहीं है, या फिर किसी परिजन को पता नहीं होता कि उसके अपने की मृत्यु हो गई और उसके शरीर के साथ अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, और ये सब कुछ आत्मा समझ नहीं पाती। उसे लगता है मेरा शरीर अभी भी जिंदा है और मैं वापस से उसके अंदर जा सकती हूँ, और इसी के लालच में आत्मा पड़ी वहीं रह जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए इंसान को बहुत दूर हॉस्पिटल ले जाया गया है और उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं पता, या फिर कई बार आत्मा को अपने परिजनों के साथ ही ट्रेवल करती है और अधिकतर बार तो आत्मा अपने शरीर का मुंह भी नहीं छोड़ पाती, इसलिए वो अस्पताल में ही रह जाती है। लेकिन आप चिंता मत करो, अगर आपका कोई परिजन अस्पताल में मरा है तो आप उसके शरीर को घर लाइए और पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार कीजिए। उसकी आत्मा को शांति भी मिलेगी और वह अस्पताल से भी वापस आ जाएगी। उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, या फिर आपका आत्माओं के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।